और अब खबर हल्द्वानी से, जहां अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायतों को देखते हुए प्रशासन, परिवहन और जंगलात महकमे की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। महकमों की टीम ने चोर गलिया में नंदौर नदी पर छापा मारा और उपखनिज से लदे वाहनों को मुआयना किया। मौके पर 8 वाहन ओवरलोड पाए गए, जिनकी निकासी को रोका गया। वहीं एक ट्रक और एक ट्रैक्टर का भी ओवरलोड में चालान किया गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी में गौला, नंदौर समेत दूसरी नदियों से उपखनिज चुगान का कार्य तेजी पर है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां उपखनिजों को लेकर निकासी गेट से निकल रही हैं। ऐसे में नदियों से अवैध खनन और ओवरलोडिंग की शिकायत भी लगातार मिल रही है। बहरहाल प्रशासन की माने जाए तो अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। खनन समिति आज नंदौर कैलाश नदी में परिवहन विभाग और हमारा पुलिस विभाग प्लस वन विभाग, इनके साथ एक ज्वाइंट चेकिंग की गई। ज्वाइंट चेकिंग में पाया गया कि कुछ अवैध रूप से खनन मात्रा से अधिक मात्रा में वाहन जो है परिवहन कर रहे थे, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। मौके पे उनका चालान किया गया है। 2 ऐसे हैं जो कि MBA एक्ट के दायरे में एक्स्ट्रा वेट से ज़्यादा, प्रेस्क्राइब वेट से ज़्यादा जो है उनके द्वारा खनन सामग्री ले जाई थी, उनका भी चालान किया गया है। 4 ऐसे लोग मिले जिनके पास कोई DL नहीं था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 4 ऐसे ट्रैक्टर मिले हैं जिनके पास कोई भी कागज़ नहीं थे, उसका भी चालान